मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, और स्मॉल और मीडियम उद्योग जगत के सभी साहसिक भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने कल का समारोह देखा होगा, वे अगर आज के इस समारोह को देखेंगे वो अनुमान लगा सकते हैं कि गुजरात किस रेंज में काम कर रहा है। जितना बड़े उद्योगों का महात्मा है उससे भी ज्यादा छोटे उद्योगों का महात्मा है। और आज पूरा दिन इस समिट में छोटे उद्योगों के विकास के लिए हम सब मिलकर के क्या कर सकते हैं, छोटे उद्योगों के द्वारा प्रोडक्ट की हुई चीजों को मार्केट कैसे मिले, छोटे उद्योग भी विश्व व्यापार में अपनी जगह कैसे बनाए, छोटे उद्योगों का भी एक ब्रांड इमेज कैसे बने, ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिसको अगर हम मिल बैठ करके सोचें तो हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। किसी एक जिले में एकाध छोटे उद्योगकार के लिए एकदम नई टेक्नोलॉजी को लाना उसके बूते के बाहर होता है, उसके लिए कठिनाई होती है। लेकिन बदलती हुई टेक्नोलॉजी के संबंध में अगर हम लगातार हमारे उद्योग जगत के मित्रों को जोड़ते रहे, उनको अवसर दें, चाहे एग्जीबिशन हो, फेयर्स हो, सेमिनार्स हो, तो एक साथ 12-15 लोग आगे आएंगे और कहेंगे हाँ भाई हम इस टेक्नोलॉजी को हायर करना चाहते हैं। और जब सब प्रकार की कोशिश करने के बाद जब सफलता मिलती है, सब लोग जुड़ते हैं, तो अपने आप किसी भी उद्योगकार के लिए निर्णय करने में कठिनाई नहीं होती है। इस प्रकार की समिट के माध्यम से हम हमारे गुजरात के छोटी छोटी तहसील में बैठे हुए छोटे छोटे उद्योगकार हैं, एक आध छोटा मशीन है, खुद मेहनत करते हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका भी इरादा तो है आगे बढ़ना है। वे भी चाहते हैं कि नई ऊंचाइयों को पार करना है, लेकिन उनको कभी कभी रास्ता नहीं खुजता है। कभी कान पे तो जानकारी पड़ती है लेकिन रास्ता पता नहीं होने के कारण, सोर्स पता नहीं होने के कारण, किन लोगों के माध्यम से करें उसका पता नहीं होने के कारण वो अपनी जिंदगी उसी में पूरी कर देता है। पिताजी का एक कारखाना छोटा मोटा चल रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को लगता है कुछ करें, लेकिन पिताजी को लगता है नहीं भाई इतने साल से मैं चला रहा हूं, ऐसा साहस करोगे कहीं डूब न जाए, अभी जरा ठहरो। कभी माँ बाप भी जो नई पीढ़ी प्रवेश करती है अपने पारिवारिक व्यवसाय में, तो उससे भी कभी कभी वो चिंतित हो जाते हैं क्या करें। इस प्रकार के समारोह से हम दोनों पीढ़ी की सोच को बदलने के लिए हम एक कैटेगरी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जो पुरानी परंपरा से अपना काम करना चाहते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर के काम करना चाहते हैं, बहुत ही बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं, और नई पीढ़ी है जो कुछ एग्रेसिव है, साहस करना चाहती है, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहती है,
और कुछ भी आने से पहले घर में ही तनाव रहता है। बेटा बाप को समझा नहीं पा रहा है, बाप बेटे को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है और सालों तक वैसे ही चलता है। यहां कई लोग बैठे हुए जिनको ये सब अनुभव आता हुआ है। लेकिन जब ये दोनों पीढ़ी इस प्रकार के अवसर पर आते हैं तब और सीइंग इज बिलीविंग, जब वो इन चीजों को निकट से देखते हैं तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है और पल भर में वो निर्णय करते हैं, हाँ यार तुम जो बेटे कहते थे ठीक है, मुझे भरोसा नहीं था लेकिन आज देखा तो मुझे लगता है हाँ यार कर सकते हैं। तो मित्रों हमें हमारे इस लघु उद्योग क्षेत्र को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से अपग्रेड करना है। हम चाहते हैं कि जगत में जो बदलाव आया है उस बदलाव को हम कैसे अडॉप्ट करें, हम अपने मन को कैसे बदलें, उस टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट किस प्रकार से सपोर्ट करे, किस प्रकार की व्यवस्थाओं को विकसित करने से कारण हम अच्छी स्थिति बदलाव बदल सकते हैं। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो समाज के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर का कोई प्रोडक्ट होगा, एजुकेशन सेक्टर का कोई प्रोडक्ट होगा, इवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई छोटा सा मशीन कोई बनाता होगा, एकाध व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, वो कभी कभी करता भी है तो क्या करता है, अगर मान लीजिए साल में वो 6 मशीन बनाता है तो फिर वो 8-10 ग्राहकों से ज्यादा जगह भी पहुंचता नहीं है, उसको लगता है इस 8-10 क्लाइंट को पकड़ लिया, कस्टमर को पकड़ लिया, काम हो गया, उसकी तो रोजी रोटी चलती है। लेकिन उसकी इस टेक्नोलॉजी जो सर्वाधिक लोगों को काम आ सकती है वो हर साल 8 या 10 जगह पर ही पहुंचती है। अगर एक बार उसके पास इतनी बड़ी विरासत है, उसके पास एक एसेट है, उसने प्रोडक्ट किया है, अगर इन ऐसे स्थान पर आते हैं जब वो प्रोडक्ट बाहर आती है दुनिया के सीधे का भी माहौल बनता है, हर किसी को लगता है कि हाँ ये व्यवस्था विकसित होती है तो ये इस नगर पालिका को काम आ सकती है, पंचायत को काम आ सकती है, सरकारी दफ्तर में काम आ सकती है, कॉरपोरेट हाउस में काम आ सकती है। और इसलिए मित्रों इस प्रकार के प्रयासों से हम समाज उपयोगी जो प्रोडक्ट्स हैं व्यवस्थाओं के बदलाव लाने का एक आधार बनती है, उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग इन चीजों को देखें, सब लोगों को, अब यह बात सही है एक छोटे गांव में बैठे हुए उद्योगकार के लिए ये सब करना उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बेचारा खुद ही जाकर के लेट पर बैठ करके काम करता है, वो मार्केटिंग करना कहां जाएगा, उसके लिए वो संभव ही नहीं। तो फिर हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जैसे हमने कुछ उद्योगकार मित्रों को भी सम्मानित किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे उद्योगों की उसमें रहते हुए भी कुछ न कुछ नया इनोवेशन किया है, कुछ नया अचीव किया है, कुछ वर्क कल्चर में बदलाव लाया है, प्रोडक्टिविटी में बदलाव लाया है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन में बदलाव लाया है। अब इन लोगों को जब ये सब देखते हैं तो उनको भी लगता है अच्छा भाई हमारे जिले में इस व्यक्ति ने काम किया है, वो देखेंगे पूछेंगे अच्छा भाई बताओ तुमने क्या किया था, तो उसको भी लगेगा हाँ यार मैं भी मेरी फैक्ट्री में कर सकता हूं, मैं भी मेरे यहां लगा सकता हूं। और इसलिए मित्रों, और एक बात सही है मित्रों, हमें अधिकतम रोजगार देने की क्षमता इन लघु उद्योगकारों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में, और हम उस प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं जिसमें अधिकतम लोगों को लाभ हो, मास प्रोडक्शन हो, वो इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है लेकिन साथ साथ प्रोडक्शन बाय मासेस भी होना चाहिए, मास प्रोडक्शन हो लेकिन एक लिमिटेड मशीन के द्वारा सारी दुनिया चल जाती है तो हम जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्शन बाय मासेस होता है, और जब प्रोडक्शन बाय मासेस होता है लाखों हाथ लगते हैं तो लाखों लोगों का पेट भी भरता है, और इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अधिकतम लोगों को रोजगार देने का एक अवसर है।
अब अधिकतम लोगों को रोजगार देने में भी कभी कभी ये दिक्कत आती है कि फैक्ट्री के अंदर उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन कभी किसी नौजवान को रख लेते हैं तो 6 महीना उसको सिखाने में जाता है। ये कोई कम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और उसके बावजूद भी भरोसा नहीं रहता है कि भाई इस लड़के को मैं लाया हूं, 6 महीने मैंने सिखाया है, उसको काम में लगाया है, लेकिन वो क्या पता नहीं मेरी गैरहाजिरी में जो चीज बनाएगा वो बाजार में चलेगी कि नहीं चलेगी, उसके मन में टेंशन लगता है। लेकिन अगर उसको स्किल मैन पावर मिले, हर प्रकार से आधुनिक विज्ञान और ज्ञान और टेक्नोलॉजी से परिचित नौजवान मिलेगा तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है। उसको लगता है मैं जिस पद्धति से काम करता था उसमें तो मेरे 2 घंटे ज्यादा जाते थे, ये स्किल लेबर मुझे मिला है, नौजवान ऐसा है थोड़ा इस विषय को जानता है, तो मित्रों हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी और उस फील्ड में सालों से काम करने वाला जो उद्योगपति है, जो बिजनेस है मैन है, उसको भी एक भरोसा हो जाएगा कि यस स्किल मैन पावर के नेटवर्क के द्वारा, उनकी मदद के द्वारा मैं ऊंची क्वालिटी की चीजें बाजार में ले जा सकता हूं। और इसलिए मित्रों जितना समयानुकूल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है, जितना हमारी सोच में बदलाव की आवश्यकता है, उतना ही हमें स्किल डेवलपमेंट में बल देना बहुत आवश्यक है। और स्किल मैन पावर को तैयार करने के लिए हम टेलर मेड सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम लोगों को नीड बेस्ड स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जहां जिस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है उस स्किल को हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? हम हमारे कोर्सेज को भी उस कंपनी को या उस उद्योग को जिस प्रकार के मैन पावर की आवश्यकता है उस प्रकार के सिलेबस से हम तैयार कर सकते हैं क्या? गुजरात ने उस दिशा में प्रयास किया है। इस प्रकार के मिलन के माध्यम से हम ये भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि भी अल्टीमेटली हमारे अगर मान लीजिए लाखों उद्योग गुजरात में छोटे उद्योग हैं और गुजरात के उद्योगों की बैकबोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लोग कितना ही भ्रम क्यों न फैलाएं लेकिन सच्चाई जो यहां बैठी है वो है। लेकिन तुम लोगों ने झूठ फैला के रखा हुआ है गुजरात के बारे में और वो लगातार झूठ फैलाने में उनको आनंद भी आता है और जनता उनको जरा ठीक ठाक भी करती रहती है। लेकिन उनकी आदत सुधरने की संभावना नहीं है, उनसे कोई भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके बेस्टेड इंटरेस्ट है। मतलब हमें लगता है हम जहां बैठे हैं हमें गुजरात के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को के नेटवर्क को बल बनाना है। इतना ही नहीं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्लस्टर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। अब देखिए यहां सारण से लेकर के बहुचराजी तक पूरा ऑटोमोबाइल का एक क्लस्टर बन रहा है। अब ये ऑटोमोबाइल का क्लस्टर बन रहा है तो कोई एक बड़ा कारखाना लगने से मोटर बनती नहीं है, एक मोटर तब बनती है जब 500 और 700 छोटे छोटे उद्योगकार छोटे छोटे स्पेयर पार्ट बना करके उसको सप्लाई करते हैं तब जाकर के एक कार बनती है। किसी का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है, उनको तो मारुति दिखती है या फोर्ड दिखती है और नैनो दिखती है, लेकिन ये फोर्ड हो मारुति हो नैनो हो जब तक ये लोग काम नहीं करते तब वो बन नहीं पाती है। और उसका नेटवर्किंग और इसके लिए आवश्यकता क्या होती है कि जहां पर जिस इंडस्ट्री का क्लस्टर हो वहीं पर सराउंडिंग अगर हम उस प्रकार का कि छोटे छोटे उद्योगों का पूरी जाल बिछा दें और फिर उनको ऑटो कंपोनेंट अगर मानो बनाने वाले लोग हैं तो वहीं पर उस प्रकार की हमारे आईटीआई जो होंगी उन आईटीआई के कोर्सेज भी वही होंगे जो वहीं के बच्चों को वहीं के उद्योगों में रोजगार दिला सके, यानी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा। अब मान लीजिए वापी में कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और पालनपुर में आईटीआई में टेक्सटाइल का कोर्स चल रहा है, मुझे बताइए पालनपुर का लड़का
क्या वापी के अंदर टेक्सटाइल के कारखाने में नौकरी करने जाएगा क्या? अपने माँ बाप को छोड़ के जाएगा क्या? वहां पर मकान किराए पर लेकर के रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन अगर वापी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और मैं वापी में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट के काम को करता हूं, तो वहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाता है, वहां की कंपनी को मैन पावर मिल जाता है और वहां से ज्यादातर लोगों का नौकरी छोड़ करके भागने का कारण भी नहीं मिलता। वरना कभी कभी क्या होता है, किसी उद्योगकार को चिंता ही रहती है, बड़ा ऑर्डर लेता नहीं। ऑर्डर क्यों नहीं लेता है? उसको लगता है यार बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये नौकरी छोड़ के चला जाएगा तो मैं ऑर्डर कैसे पूरा करूंगा, मेरे पास आदमी तो है नहीं। यानी एक प्रकार से वो अपना साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है उस पर डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा क्लस्टर है और क्लस्टर के अंदर उसी इलाके के नौजवानों को उसी काम के लिए अगर ट्रेन किया गया है तो उन उद्योग एक को छोड़ेगा तो दूसरे को जाएगा, लेकिन मैन पावर की कभी कमी नहीं पड़ेगी और मैन पावर का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और मित्रों ये बात सही है कि गुजरात में औद्योगिक जगत से जुड़े हुए आप सब मित्रों को एक बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आज गुजरात में जो जीरो मैंडेट लॉस है, पीसफुल लेबर है, उसका मूल कारण हमारे यहां औद्योगिक जीवन में एक परिवार भाव है। अपनी कंपनी में काम करने वाला लड़का भी परिवार का हिस्सा हो जाता है, एक अपनापन का भाव होता है और उसके कारण कभी मालिक और नौकर का हमारे यहां माहौल नहीं बनता। हम जितना मात्रा में ये मालिक और नौकर वाले हिस्से से बचे हैं वहां हमारा औद्योगिक विकास होता है। और हिंदुस्तान के बहुत से राज्य ऐसे हैं, हिंदुस्तान के बहुत से छोटे उद्योगकार ऐसे हैं जिनको गुजरात की इस क्वालिटी का बहुत कम पता है। हमारे यहां 8 घंटे की नौकरी होगी तो भी वो मजदूर 9 घंटे तक काम क्यों करेगा? उसको लगता है नहीं नहीं, ये मेरी कंपनी की इज्जत का सवाल है, ये माल तो मुझे 7 तारीख को देना है, मैं काम करके रहूंगा, सेठ चाहे या न चाहे। उद्योगकार की इच्छा हो या ना हो, वो लेबर जो है रात को भी काम करके उनको देता है। मित्रों ये माहौल जो हमारे यहां बना है, इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से प्रोडक्ट की वैल्यू हमने बनाई है उसी प्रकार से उस प्रोडक्ट के पीछे जिन हाथों से काम होता है, उन हाथों की इज्जत हम जितनी बढ़ाते हैं उतना हमारा व्यवसाय में गारंटी बढ़ती है, क्वालिटी में गारंटी बढ़ती है और हमारे परिणाम में बढ़ती है। और इसलिए मित्रों हमें जितने छोटे उद्योगों की केयर करनी है उतनी ही हमारे साथ काम करने वाले हमारे लेबरर्स की चिंता करनी है। हम कभी उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। ये जिन जिन लोगों ने छानी, और मैंने देखा है कि अगर आप उसको 5 रुपया मिलता है तो आपका 25 रुपये का काम करके देता है, कभी कोई घाटे में नहीं जाता। अपने साथियों को संभालने के कारण कोई घाटे में गई होगी ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, लेकिन जो अपनी टीम के लोगों के साथ उस प्रकार का काम नहीं करते हैं तो उसको जाती है। उसी प्रकार से मित्रों सरकार भी नहीं चाहती है कि फैक्ट्रीज को जाकर के नई नई परेशानियां पैदा कर। मुझे याद है पहले तो एक ऐसे ऐसे कानून हुआ करते थे कि छोटे मोटे लोगों को इतनी नहीं, जैसे एक बॉयलर इंस्पेक्शन का रहता था। अब जिन कंपनियों को बॉयलर की जरूरत होती थी वो सरकार को लिखते थे कि मेरी फलानी तारीख को इंस्पेक्शन हो जाना जरूरी है, अदरवाइज मुझे अपना बॉयलर ऑपरेशन में बंद करना पड़ेगा। अब वो बॉयलर इंस्पेक्शन होता करने वाला होता है, उसके पास लोड बहुत होता है, वो डेट देता नहीं है, उसको टेंशन देता है और क्या क्या परेशानियां होती है वो जो सब जानते हैं। मैंने एक छोटा कानून बना दिया। मैंने कहा भाई जो फैक्ट्री चलाता है क्या वो मरना चाहता है क्या? क्या वो अपने बॉयलर को फट जाए ऐसी इच्छा करता है क्या? क्या उसको अपने बॉयलर की चिंता नहीं होगी क्या? तो हमने कहा आप ऐसा काम करो कि उसके ऊपर जिम्मेवारी डालो और बॉयलर इंस्पेक्शन को बोलो, उस कंपनी को बोलो कि वो आउटसोर्स करके जो भी इसके एक्सपायर्ड के लाइसेंसी लोग हैं उनसे बॉयलर इंस्पेक्शन करवा दे और कागज सरकार को भेज दे।
ये तो इतना सरल हो गया। अच्छा, उसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई और उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाने के कारण वो सरकार जितना करे उसे ज्यादा करने लगा। उसको लगा हाँ यार, मेरा बॉयलर भी कुछ खराब हो गया तो मेरी फैक्ट्री को आग लग जाएगी और मेरे 50 लोग मर जाएंगे। वो खुद जिम्मेवारी से ऊपर आ गए। मित्रों, ऐसे बहुत से छोटे मोटे कानूनी बदलाव है। अगर आप में से उस प्रकार के सुझाव आएंगे जिसके कारण सिंप्लीफिकेशन हो, सरकार आकर के कम से कम परेशानियां पैदा करे, और मित्रों मैं जो बोल रहा हूं ना ये मुझे करना है, और मैं लगातार करता आया हूं, काफी कुछ मैंने कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कोने में रह गया हो तो मुझे उसको ठीक करना है और उसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। ये सरकार ऐसी नहीं है कि सर आपको भरोसे छोड़ दे और आपको कह दे जो होगा होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरो जीवन तुम्हारी मदद ना। ये हमारा काम है कि आप प्रगति करो, ये हमारा काम है कि आपकी कठिनाइयां दूर हो, ये हमारा काम है कि हम सब मिलकर के आगे बढ़े। मित्रों, आज गुजरात में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसका कारण यही है कि हमने एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया, उस एनवायरमेंट का लाभ हर किसी को मिले उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी मैं कुछ दिन पहले सूरत में स्पार्कल के कार्यक्रम में गया, जेम्सन ज्वेलरी का कार्यक्रम, वहां पर भारत सरकार के भी लघु उद्योग विभाग को देखने वाले एक सरकार के अधिकारी आए थे। उन्होंने जो भाषण किया वो जानकारी मेरे लिए भी बड़ी आनंद की थी। वही जानकारी मुझे मेरे सरकार के अधिकारियों ने दी होती तो मैं उनको 10 सवाल पूछता, मैं उनको पूछता नहीं यार मेरे गले नहीं उतरता, ये कैसे हो सकता है, मेरे मन में सवाल उठते। लेकिन चूंकि भारत सरकार के अधिकारी ने कहा है तो मुझे मालूम था वो 7 जगह पर पूछ के आया होगा। और बिना वेरीफाई किए कुछ नहीं कहेगा। और मित्रों, उन्होंने जो जानकारी दी वो जानकारी सचमुच में हम सभी लघु उद्योग से जुड़े हुए सभी मित्रों के लिए एक बहुत आनंद और प्रोत्साहन का विषय है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है वो 19% है और गुजरात ऐसा राज्य है जिसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 85% है। अब विचार कीजिए मित्र, इसका मतलब कि भारत सरकार का एक जो रिपोर्ट आया है, जो रिपोर्ट ये कहता है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां मिनिमम बेरोजगार लोग हैं, बेकारों की संख्या पूरे हिंदुस्तान में कम से कम कहीं है तो गुजरात में। मैं पॉलिटिकली जो बेकार हो गए उनकी बात नहीं कर रहा, तो बेचारे 15 साल से बेरोजगार है। मिनिमम बेरोजगार के ही किसी राज्य में है तो गुजरात। दूसरा, भारत सरकार का ये रिपोर्ट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में जो रोजगार दिए गए हैं पिछले 5-7 साल में उसमें 72% रोजगार अकेले गुजरात ने दिए। अब इन तीनों चीजों को मिलाकर के देखें कि देश का ग्रोथ 19%, हमारा 85%। दूसरा रिपोर्ट कहता है मिनिमम
बेरोजगार लोग। तीसरा कहता है कि 72% एम्प्लॉयमेंट हम देते हैं। ये तीनों को जोड़ के देखते हैं तब साफ नजर आता है कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ग्रोथ ने देश के नौजवानों की कितनी बड़ी सेवा की है, रोजगारी देने के लिए एक क्षेत्र कितना बड़ा उपकारक हुआ, कितना बड़ा लाभ हुआ। ये सीधा और ये तीनों चीजें सारे फिगर भारत सरकार के हैं। मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर बल देने का प्रयास है और उसमें हम और कुछ कदम आगे बढ़ना चाहते हैं भाइयों, और मैं इसमें से सब लोग शायद आप नहीं कर पाऊंगे, लेकिन मित्रों निर्णय तो करना ही पड़ेगा। एक है, सारे दुनिया में से हमें यहां माल डंप हो रहा है, उसके सामने हमें टिकना है। मैं 99-2000 की बात करता हूं, तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था और तब मैं मुझे पता भी नहीं था कभी ये मुसीबत मेरे सर पर पड़ेगी। मैं तो संगठन का काम करता था, पर्दे के पीछे काम करने वाला इंसान था। उस समय मुझे आगरा और कानपुर का एक डेलीगेशन मिल गया, क्योंकि मैं पार्टी महासचिव था, स्पोर्ट्स पर्सन था, अटल जी की सरकार थी, और वो आकर के मुझे कहने लगे, साहब ये चीन से इतनी बड़ी मात्रा में जूते हिंदुस्तान में आ रहे हैं और इतने सस्ते जूते आ रहे हैं कि हमारी तो रोजी रोटी खत्म हो गई, लोग बेकार हो गए, हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं। साहब कुछ नीति बदलो, इंपोर्ट ड्यूटी पर लगाने के लिए सोचिए, कुछ न कुछ कीजिए, वरना चीन तो हमें खा जाएगा। ये मुझे याद है 12-15 साल पहले की बात। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई आपकी चिंता तो सही है, लेकिन इसका तो उपाय यही है कि हम चीन से अच्छे जूते दें और चीन से सस्ते जूते दें। अगर हम इन बातों पर बल देंगे तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और हमने जब कहा कि अच्छे जूते दें, मतलब टिकाऊ होना चाहिए, दिखने में अच्छे नहीं। और मैंने कहा, मेरा विश्वास है कि अगर आप टिकाऊ चीजों पर बल दोगे तो हिंदुस्तान के ग्राहक का जो मानस है वो टिकाऊ चीजें पसंद करता है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो हमारा उसका माल यहां बेच दे। मित्रों, ये छोटी सी ये सिद्धांत है इसकी, क्या हम जिन चीजों को प्रोडक्ट करते हैं उसको दुनिया से जो माल हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है उसके सामने टिकने के लिए वह टिकाऊ है कि नहीं, इस पर हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और तभी हम इस ग्लोबल मार्केट में और कंज्यूमरिज्म के जमाने में हम टिक पाए, अदरवाइज हम टिक नहीं पा सकते। कभी तो हमने कम मुनाफा लेकर के भी टिकाऊ चीजों पर बल देना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम मार्केट का एक दूसरा नेचर बना है, आपने कई लोग देखे होंगे 20 साल की उम्र में जिस प्रकार का जूता पहनते थे वो 75 साल के हो गए तो भी वो बदल नहीं करते, वो वही मोची को खोजेंगे, उसी से बनवाएंगे, वो रहता था। लेकिन आज की पीढ़ी में, आज की पीढ़ी का स्वभाव बदला है, उसको लगातार नई डिजाइन चाहिए, नया कलर चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हमारे यहां लगातार रिसर्च होना चाहिए, भले ही हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले क्यों ना हो। अगर हम मार्केट में नई चीज नहीं देंगे तब तक हम ये दुनिया से जो मार्केट का हमला हो रहा है उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। और इसलिए हमें लगातार डिजाइनिंग हो, क्वालिटी रिसर्च हो, कंपोनेंट रिसर्च हो, इन सारे विषयों पर बल देना पड़ेगा, क्योंकि हमने टिकना है। वरना बताइए मित्रों, जो लोग
होली में पिचकारी बना करके बेचते थे, वो बेचारा साल भर पिचकारी बनाता था और होली के समय माल बेचता था और रोजी रोटी कमाता था। उसने सब बना के रखा है और चाइना से अगर पिचकारी आकर के डंप हो गई तो उसकी पिचकारी कौन खरीदेगा, उसमें चिंता रहती है। लेकिन अगर हमारे चीजें टिकाऊ है तो मैं मानता हूं हम किसी भी हमले को पार कर सकते। दूसरी बात है मित्रों कि हमें डिफेंसिव ही रहना है क्या, कैसे भी करके अपने रोजी रोटी कमा लो यार, अपने धंधे को बचा लो यार, चला लो तो जी बच्चे बड़े होंगे तो देख लेंगे, हम तो अपना गुजारा कर लें, ये ज्यादातर हमें सुनने को मिलता है। मैं मानता हूं हमें अपने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे उद्योग जगत के मित्रों ने डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, क्यों ना हम ये सपना देखें कि मैं जो प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं दुनिया के बाजार में जाकर के सीना तान करके बेच के आऊंगा। हम ही क्यों ना एग्रेसिव हो, हम पूरे विश्व के बाजार को कब्जा करने की कोशिश क्यों ना करें। मित्रों इस समिट के माध्यम से हम जैसे दुनिया की टेक्नोलॉजी लाने में उत्सुक हैं, वैसे दुनिया से बाजार खोजने में भी उत्सुक हैं। विश्व में हम अपना माल कहां कहां बेच सकते हैं, कहां कहां पहुंचा सकते हैं, कहां कहां मार्केट की संभावना है, वहां की इकोनॉमी के अनुकूल हमारी प्रोडक्ट हम कैसे पहुंचा सकते हैं, अगर इन चीजों पर हमने बल दिया तो मित्रों हमें कभी भी किस देश का कौन सा माल यहां आकर के टपक पड़ने वाला है, किसके यहां से कितना दम होने वाला है, इसकी कोई चिंता हमें कारण नहीं बनेगी। हम अगर एग्रेसिव होते हैं, हम ऑफेंसिव होते हैं, हम विश्व के बाजार को कब्जा करने के लिए सोचते हैं। और मैं मानता हूं मित्रों गुजरात के लोग साहसिक हैं, ये कर सकते हैं। गुजरात के व्यापारियों में दम है, अगर उनको कहा जा रहा है कि तुम गंजे को कंगा बेच के आ जाओ, वो बेच के आ जाएगा, उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो कर सकता है। अगर उसको कहा जाए कि तुम हिमालय के अंदर फ्रीज बेच के आ जाओ, साहब वो बेच के आएगा, वो समझा देगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे है, हिमालय गर्म कैसा होने वाला है, तुम्हें फ्रीज की कैसी जरूरत पड़ेगी। मित्रों जिसके अंदर ये एंटरप्रेन्योर क्वालिटी है उसके मन में विचार क्यों नहीं आता है कि मैं दुनिया के बाजार को कब्जा करूं। मित्रों बदलते हुए युग में हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को भी एकाध नौजवान को अपने यहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा रखना ही पड़ेगा। आज ऑनलाइन बिजनेस इतनी बड़ी मात्रा में होता है, विश्व की रिक्वायरमेंट का पता चलता है, आप क्यों ना एक भले दो घंटे के लिए टेम्पररी हायर करो। कुछ ऐसे आईटी के बच्चे भी हो सकते हैं कि दिन में 6 कंपनी में 2-2 घंटे सेवा दे सकते हैं। जैसे अकाउंटेंट होते थे पहले, आपके यहां अकाउंटेंट को परमानेंट थोड़े रखते हैं, 2 घंटे हफ्ते में आता था, वो अपना अकाउंट का काम करके चला जाता था। तो इसी प्रकार से हमने एक नई विधा डेवलप करनी होगी, वो जो आईसीटी के क्षेत्र में जिन बच्चों की एक्सपर्टाइज है, ऐसे बच्चों को 2-3 घंटे हफ्ते में सेवा लेना और उनको कहना भी दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या है, नई व्यापार की संभावनाएं क्या है, देखो कॉरेस्पॉन्डेंस करो, अपना माल हम बेच सकते हैं क्या। मित्रों थोड़ा अगर आप सोचोगे तो आज के जगत के अंदर, जगत इतनी बड़ा छोटा हो गया है, हम अपना मार्केट खोज सकते हैं और अगर प्रोडक्ट में दम है तो मित्रों हम अपनी बात दुनिया में पहुंचा भी सकते हैं और माल भी पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है हमारे गुजरात के उद्योगकारों को उस दिशा में विचार करना चाहिए। एक और बात है मित्रों, मैंने देखा है कई हमारे उद्योगकार उनकी अपनी चीजों को विशेष रूप से उन्होंने बनाया है, लेकिन अब पुराने जमाने का हमारा स्वभाव है और उसके कारण हम हमारी प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं करवाते। मैं छोटे भी उद्योगकार क्यों ना हो, हमने पेटेंट करवाना चाहिए। मित्रों इस बार मैं आपसे एक काम करने वाला हूं, सरकार के अंदर जो इंडेक्स बी वगैरह जो प्रकार के हमारे डिपार्टमेंट है, अब के बाद हम डेडिकेटेड
टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक पूरा यूनिट सरकार के उद्योग विभाग में खोलने वाले हैं। पूरी सरकारी एक व्यवस्था डेडिकेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, लघु उद्योगों के लिए होंगे, छोटे उद्योगों के लिए है, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए होंगे। अब उनको इस प्रकार की कानूनी मदद कैसे मिले, पेटेंट कैसे करवाना, पेटेंट कैसे रजिस्टर होगा, उसका कंपनी का नाम होगा, ब्रांड होगा, प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट होगा, इन सारी बातों में सरकार आपकी मदद करना चाहती है। आने वाले दिनों में उस इकाई को भी हम खड़ा करेंगे जिसके कारण छोटे छोटे लोगों को भी, वरना क्या होता है, आप एक चीज बना लीजिए तो दूसरा उसको खोल करके दे, हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूं, वो भी अपने हाथ शुरू कर देगा। अब उसके कारण जिसकी मेहनत की गई है उसका तो बेचारा मुसीबत हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी के लिए भी व्यवस्था हो और हमारे सरकार की तरफ से उसमें हम आपको मदद करना चाहते हैं ताकि आपकी, आपके पास जो नॉलेज है, इनोवेशन है, उसका पैटर्न आपके पास रहना चाहिए, वो आपकी अथॉरिटी बनी रहनी चाहिए, उस दिशा में काम। और एक बात है मित्रों, हम सब लोग छुटपुट अपनी चीजों के लिए दुनिया में अपनी जगह जल्दी बना नहीं सकते। हम सबको मालूम है कि आज से 5-10 साल पहले बाजार में हम पेन भी खरीदने जाते थे और अगर उस पर मेड इन जापान लिखा है तो हम कभी पूछते नहीं थे कि जापान की किस कंपनी ने इस पेन को बनाया है, कभी नहीं पूछा, उस पर कंपनी का नाम भी नहीं रहता। लेकिन सिर्फ मेड इन जापान लिखा है हम खरीद लेते थे और अपने जेब में रखते और 10 दोस्तों को महीने भर बताते थे कि मेड इन जापान है। ये था एक जमाना। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना एक ब्रांड बना दिया, जापान एक ब्रांड बना दिया, फिर सब कंपनियों का मांग मेड इन जापान लिख दिया तो बाजार में चल जाता। मित्र, हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हर कंपनी का ब्रांड बनाने जाएंगे तो शायद हमारी इतनी पहुंच भी नहीं होगी, उतनी ताकत भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम मेड इन गुजरात इंडिया ये माहौल बनाएंगे, मित्र ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि हम आज मिले हैं उस पर चर्चा करें, आपके छोटे छोटे एसोसिएशन पर भी इस पर चर्चा हो, लेकिन कभी ना कभी दिशा में सोचना होगा। लेकिन ये तब होगा, सिर्फ उसको लिख दिया मेड इन गुजरात से काम नहीं होता है। हमने हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देने का नॉर्म्स बनाने पड़े, जीरो डिफेक्ट। हमारे हम जो भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी चीज प्रोडक्ट करते हैं, उसमें अगर जीरो डिफेक्ट होगा तब दुनिया में जाकर के हम जाके खड़े हो सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है तो दुनिया में जाकर के हम खड़े हो सकते हैं। हम जो प्रोडक्ट करते हैं वो टिकाऊ है तो हम दुनिया में जाके खड़े रह सकते हैं। और इसलिए भाई बहनों, हमें उस दिशा में काम करना होगा। और एक मार्केटेबल चीज आज बाजार में है, अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ ये कहो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी से बनी है तो दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसको खरीद करता है। आज भी जैसे खान पान में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हुआ है तो उसको अगर ये कहो कि लीजिए लीजिए खाइए तो कहेंगे नहीं नहीं अभी खाना खा के आया हूं, मेरा मन नहीं करता। लेकिन आप धीरे से तो नहीं नहीं खाइए नहीं ऑर्गेनिक है तो तुरंत तो अच्छा ऑर्गेनिक है लाइए लाइए, अब चीजें चल पड़ती है भैया। अब वो कहीं मरीज के पास लेबोरेटरी तो है नहीं टेस्ट करेगा तो ऑर्गेनिक है खाइए। लेकिन वो खाएगा हाँ ऑर्गेनिक। मित्रों, विश्व में यानी हमें झूठ नहीं करना है, सही करना है। एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ये भी प्रोडक्ट के साथ साथ बिकने वाली चीज बनने वाली है। दुनिया हर चीज को देखे अच्छा भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है ठीक है। और इसलिए मित्रों, दुनिया के मार्केट की जो सोच बदल रही है, कंज्यूमर की जो सोच बदल रही है, उन चीजों को भी
हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्लोबल विजन के साथ तैयार करे, ये मेरा सपना है। वो यहां धोलका धंधुका में माल बेचे, इसके लिए हमें मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया के बाजार में छाते पे पैर रख करके माल बेचे, मेरा गुजरात का व्यापारी, इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमने अपना कदम रखना है, इसलिए हमारी कोशिश है। हिंदुस्तान में तो है, हिंदुस्तान में तो आपका माल बिकना ही बिकना है, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, बनेगा। उस दिशा में हम प्रयास करें। मित्रों, मैं चाहता हूं कि पूरे दिन भर इस सारे विषय पर चर्चा होने वाली है, बहुत एक्सपर्ट लोगों का हमें मदद मिलने वाली है, और इस विधा को हम लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरी मकसद है मित्रों, नई टेक्नोलॉजी कैसे आए, नए इनोवेशंस कैसे हो, अधिकतम नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए अनुकूल स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, और हम विश्व के बाजार को अपना माल पहुंचाने के लिए किस प्रकार से एग्रेसिव प्रोएक्टिव होकर के काम करें, हम डिफेंसिव ना हो, उस दिशा में आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट विचारधारा नक्कर संकल्पों से छलो छल उद्बोधन पाठवा बदल आपनो खूब खूब आभार। गुजरात मारो आत्मा छे, भारत मारो परमा